माननीय जिलाधिकारी हीरा लाल जी, उन्होंने एक आयोजन किया हुआ है स्टार्टअप इनोवेशन समिट का। आमतौर से आयोजन आपको टेक्निकल कॉलेजों में यानी इंजीनियरिंग कॉलेजों में देखने को मिलता है, लेकिन ये एक तरह के मेडिकल कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे राजकीय टेक्निकल कॉलेज भी है, KCNIT कॉलेज भी है, लेकिन वहाँ ना होकर के ये मेडिकल कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है। तो क्या ये आयोजन मेडिकल कॉलेज में क्यों किया गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मेडिकल कॉलेज में करने के पीछे कोई इस तरह का मंशा नहीं था। यहाँ चूंकि ये लेक्चर हाल समय साथ चाहिए थे और स्पेस चाहिए थे, तो हमारी जो आवश्यकता थी, क्योंकि ये तीन भागों में विभक्त है, एक तो हमारे करीब 90 स्टॉल हैं, 100 इनोवेटर के लिए हमें जगह चाहिए थी और 7 लेक्चर हॉल चाहिए था, तो इन तीनों को एक जगह एकोमोडेट करने की जो सूटेबिलिटी थी वो यही अच्छी मिली। और ये मेडिकल कॉलेज नया बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसको चयन किया गया। जैसा कि हमने लेक्चर हॉल में विजिट किया, लेक्चर थिएटर सब विजिट किए, तो हमने देखा कि आपने लखनऊ के GMU से यानी बहुत जगहों से आपने स्पीकर्स बुलाए, तो क्या ये स्पीकर्स आपने बुलाए थे या वो अपनी मर्जी से आए? नहीं, ये आप लोगों को देखने में लग रहा कि हमारी तैयारी एक सप्ताह की है, इंटरनली विगत 3 महीने से चल रही थी, और इसमें हम लोगों ने एक्सपर्ट लिया हुआ है। इस तरह के इवेंट को जो आयोजित कराते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक संस्था है उसको हमने लिया है, यहाँ का जो KCA काली चरण वाला इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लोग इन्वॉल्व हैं, और हमारा जो जिला विज्ञान काउंसिल है, जिला विज्ञान केंद्र है, और जो हमारा प्रदेश का विज्ञान काउंसिल है उसके सारे एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं, और हम इसकी पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से इतना सफल हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके इस पूरे आयोजन पे, क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। मैंने कल कई पब्लिक रिव्यूज लिए, लोगों के बीच में भी गए, तो वहाँ पता चला कि लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा कि ये हो क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि बस हमें गांव से बुलाया गया है, प्रधान ने बुलाया है, बुलाया कि राशन कार्ड बनेंगे, अब यहाँ पता नहीं चल रहा राशन कार्ड कहाँ बनेंगे। तो मतलब ये ऐसे आयोजन में फिर ये छोटी छोटी गलतियाँ कहाँ रह गई? देखिए, ऐसा है कि हमने जिसे बुलाया है, क्योंकि हम लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि हमें किसे बुलाना है, हमारे जो भी लोग, हमने जिनको लोग बुलाए हैं उनको ये पता है कि हमने क्यों बुलाया था। जब ये देखा, लोग गांव में गए बताए, तो और भी लोग चले आए, लेकिन यहाँ देखने के बाद उनके मन का ये शंका दूर हो जा रहा है, को क्यों आए हैं, क्यों इन्हें एक स्टॉल देखने को मिल रहा है, सरकार के सारे विभागों की जानकारी मिल रही है, तो उनका ये मकसद हल हो गया कि वो क्यों आए हैं। और जब इनोवेटर हॉल में वो जा करके ये देखते हैं कि इरीगेशन की समस्या को कैसे दूर किया जाए, 1 लीटर में 175 किलोमीटर एक मोटरसाइकिल बिना प्रदूषण के कैसे चल सकती है, जब उस हाल में वो लोग जाते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल चौड़ा हो जाता है, मुस्कराते हुए निकलते हैं। मैंने भी बहुत लोगों से इंटरव्यू लिया है, धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है, जितने इनोवेटर्स थे उनके मन में एक शंका थी, उन्होंने कहा कि क्या उनको क्या ये मिल पाएगा कि जैसे कुछ ऐसे इनोवेशंस हैं जिनको आर्थिक सहायता चाहिए, तो क्या आपके द्वारा ये पहल की जाएगी कि उनको सरकारी स्तर पर उनको आर्थिक सहायता मिले? देखिए, जो इनोवेटर, जो हमारे इनोवेटर हैं, वो गांव देहात के बड़े भोले भाले बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि उन्होंने जो बनाया है, जो विकसित किया है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए और एक ऊंचे स्केल पे कैसे लिया जाए, इसकी हमने कार्य योजना बना ली है। अभी ये आयोजन खत्म होने के बाद हम सारे इनोवेटर से अपने जिला विज्ञान क्लब के अधिकारी के माध्यम से बात करेंगे, और उनके लिए जहाँ जरूरत होगी चिट्ठी लिखेंगे, जहाँ जरूरत होगी बात करेंगे, और इसकी एक अलग ही व्यवस्था है। ये जो इनोवेटर स्टार्टअप हैं, इनकी फाइनेंसिंग की, इनके डेवलपमेंट की एक अलग व्यवस्था है, वो हम लोगों को पता है, हम उस व्यवस्था से इनको जोड़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यही खत्म होने वाला नहीं है, ये तो पिक्चर का ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। जैसा कि हमारे साथ जिलाधिकारी जी कह रहे थे कि पिक्चर का ट्रेलर है और पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो आगे देखते हैं, अगर ये इनोवेटर्स के लिए ये समिट अगर अच्छी रही और उन्हें आगे सरकारी सहायता मिली, तो हो सकता है कि ये आयोजन पूरे जिले भर में एक नया आयोजन होगा, और इस आयोजन से पूरे जनपद के लोग या पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नई गाथा लिखी जाएगी, और बुंदेलखंड जो कि एक पिछड़ा हुआ इलाका था, और यहाँ से विकास की नई इतिहास, यानी जो बुंदेलखंड गौरवशाली इतिहास के लिए प्रसिद्ध था, वो वैज्ञानिक विकास के लिए भी प्रसिद्ध हो जाएगा। जय हिंद।